तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का मेरे चैनल और ब्लॉग चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं अमन शर्मा द होलसेलर, कैसे बना द होलसेलर। मैंने अपना टॉय का बिजनेस काफ़ी बड़ा किया और लोगों के बीच में आप सभी का प्यार भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला। कल एक बंदे ने मुझे पूछा था कि भैया, आपने अपना बिजनेस ग्रोथ कैसे किया, बड़ा कैसे किया, इतना ज़्यादा लोगों का प्यार कैसे पाया। मैंने उसे सिर्फ एक जवाब दिया, मेहनत। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलती, लगातार मेहनत। मेहनत का मतलब है लगातार मेहनत। एक दिन मेहनत किया, दो दिन मेहनत किया, फिर छोड़ दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। लगातार मेहनत चाहिए, 6 महीने की मेहनत लगातार। 30 अक्टूबर 2023 मेरे बैंक अकाउंट में मात्र 2,000 रुपया थे। मेरे पास कुछ भी नहीं था और ये बिजनेस करने का आइडिया भी नहीं था। मेरे बड़े भैया का ये बिजनेस था तो मैंने द होलसेलर नाम से चैनल बनाया। अब उस चैनल में मैंने लगातार वीडियो पोस्ट किया, लगातार 30 दिन तक मैंने वीडियो पोस्ट किया, लगातार 30, 40, 50, 60, 2 महीने, 3 महीने लगातार मैंने वीडियो पोस्ट किया, फेसबुक में पोस्ट किया, मैंने एडवर्टाइजमेंट किया खुद का। देखो, जब आपके पास पैसे नहीं रहते हैं ना, तो भैया आपको एडवर्टाइजमेंट भी खुद करनी पड़ती है। और खुद कैसे करोगे, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत कुछ है। आप अपनी मेहनत आपके हाथ में है। तो बिजनेस करने का सबसे बड़ा सफलता है मेहनत। तो मैंने अपना एडवर्टाइजमेंट लगातार किया और मुझे पहला ऑर्डर मिला अपना ऑलमोस्ट 2 नवंबर, 2 या 3 नवंबर तो मुझे अपना ऑर्डर मिल गया था। मुझे अपना ऑर्डर बहुत जल्दी मिला था, 3 दिन के अंदर ही मुझे पहला ऑर्डर मिल गया था और मैंने उस ऑर्डर से ऑलमोस्ट 2,000 रुपये कमाए थे। 25 से 30 हज़ार का माल बेचा था, मैंने 2,000 रुपये ऑलमोस्ट कमाए थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि भैया, आपको बड़ा करना है। बड़ा करने का मतलब क्या है कि अपना बिजनेस को बड़ा करना है। अब बड़ा करने के लिए मैंने लगातार वीडियो डाला, फिर तो मुझे खून लग गया। बोलते हैं ना कि सेल के मुँह में खून लग जाता है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ। फिर मेरे मुँह में खून लग गया और फिर मैंने लगातार वीडियो बनाया और आप लोगों का प्यार पाया और मैंने रेट एकदम जेन्युइन लगा। बिजनेस पे सबसे बड़ा याद रखना, रेट आपका बहुत बड़ा फैक्टर करता है कि आप रेट किस रेट में बेच रहे हो। अगर मैंने 20 रुपये में कोई सामान खरीदा है, अगर मैं 22 रुपये में दे दे रहा हूँ कस्टमर, तो कस्टमर आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आप 20 में खरीदते, 40 में बेच रहे हो या 35 में बेच रहे हो, 2 दिन आपसे माल ले ले, 3 दिन माल ले ले, लेकिन फिर उसके बाद भैया वो आपको छोड़ के जाएगा, क्योंकि आपका रेट बहुत ज़्यादा है। तो बिजनेस में हमेशा याद रखना, रेट हमेशा जेन्युइन लेना ताकि आप 12 महीना कमा पाओ। आपको डेली 2 रुपया कमाना है कि एक बार में 20 रुपया कमाना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने लगातार मेहनत की और आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैंने दुकान ले लिया। 15 जनवरी 2023 को मैंने सिर्फ 4 महीने में दुकान ले लिया 15,000 रुपया भाड़े में, और मैंने उसमें बहुत सारा आइटम भी भरा, खिलौना भी भरा, कैंडी फिलिंग आइटम, लॉटरी आइटम, और मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डायरेक्ट सेटिंग थी। मेरे बड़े पापा का छुट्टा था तो मुझे खड़ा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो अगर आपको अपना बिजनेस बिल्ड करना, बड़ा करना है, तो हमेशा याद रखना मेहनत। 10 दिन वीडियो बनाओ, 20 दिन बनाओ, महीना भर बनाओ, लगातार बनाओ, तो आपको कोई ना कोई फल देखने तो मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बस इतनी बात बोलूँगा।